हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आप सबका न्यू ब्लॉग के अंदर। तो अभी मैं कपड़े डाल के तो थक हार के ना अब आके बैठ गया हूँ, और ना अब है सूरज ही बड़ा पड़ा अभी इधर से आंखों में आके। तो अब हम लोग ना थक थक के तो आराम से बैठे हैं, गर्मी बहुत हो गई, सूरज सीधा आंखों में पड़ा। अब ना वो वाले दिन ही आए जब से सूरज में बैठने के लिए सही है। अब गर्मी आ गई अच्छी खासी। और ये क्या कर रहा है उमर साहब, क्या कर रहे हो? तो ये टाइम है पानी डालने का, 12:30 हो रहे हैं और ये इस टाइम पानी डाल रहा है। इधर इधर इनको इनको ये वाले मारनी अपनी है, किसी के नहीं मारने। सारे पौधों को भी पानी डालने वाला। और ये किस टाइम आगे पानी डाला जिस टाइम सूरज सिर पे चढ़ा हुआ है हमारे। और बर अभी सही उसको सूखा वो सही तरह नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, डालो मिट्टी खराब हो जाएगी नहीं तो इस तरह बारे उसको। और ये अभी मैंने इधर से मिट्टी भरी है बिल्ली के लिए लेके जानी है, उसकी जो सी ट्रे है ना उसके बीच डालनी है। और ये इन गमलों का हाल देखे सारे सूखे पड़े हुए हैं। और मैं कुछ और दिखाता हूँ, हम लोग और गमले लेके आए हैं प्लास्टिक के, हम वो दूसरे नहीं हैं प्लास्टिक के। ये देखें माशा काफ़ी सारे ही हैं, एक बड़ा और बकाया कोई 8-10 एक ही साइज़ के हैं। अब हमने इसका कुछ प्लान करना है, इसके अंदर कुछ लेके आने पौधे, देखते हैं अब कौन से लेके आए। अब आगे बाहर का मौसम जा रहा है तो हम बाहर के में पौधे फूलों वाले सही रहेंगे, फूलों वाले लेके आएंगे। जैसे हम लोग इधर या फिर इस बन्नी पे रखेंगे या वो नीचे वाली ये सीढ़ियों की बन्नी है ना उधर रखेंगे। इसको इधर ही रहने दें, शाम को फिर उतारना ही है। हवा चल रही है, कपड़े उतारने फिर मैं ले आऊंगा। हवा चल रही है पक्का? इतनी बड़ी चादर कितने की थी? चल ठीक है फिर ध्यान डालो डालो डालो, शाबाश इन सारों को डालो। ऊपर डालूंगी अंदर 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 गमलों में। और उन सारों को सही पानी नहीं डाला हुआ, ऊपर ऊपर से डाला तूने? कुछ नहीं होता, बड़े शौक से लगाने आते तुझे। वो मेरे जो सर्दियों में गई है वो मैंने उन्हें हाँ। कितने दिनों बाद आज पानी डाला है? दो दिनों बाद। और आगे गर्मी आ रही, कौन सा सीजन आ रहा है गर्मियों का? गांव में रोजाना डालते हैं पानी। हाँ बस कर नहीं बाकी सब हम कम कर करके अब हम जा रहे हैं नीचे के लिए। तो मैं इधर से देख रहा था वेल ना गिर गई हुई है नीचे, वो सारी तारों के ऊपर पड़ी हुई है। तो अब इसको भी ना कोई वो रस्सी रस्सी ला के तो सीधे ही करनी है। मैं सोच रहा हूँ सीधा इधर इधर इस साइड से बन्नी पे सीधा सीधा लगा देंगे, क्योंकि ऊपर नहीं लेके आएंगे, ऊपर ये तारे भी हैं साथ। चल आ जा बन्नी पे, आ जा। ये ना सर्दियों में की वजह से ना सारे सूख गए हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा कटिंग कर दूंगा बकाया, फिर ना शुरू से अब बाहर का मौसम आ गया नए पत्ते लगेंगे ना, ये अभी ऊपर ऊपर वाले लगे नीचे नीचे वाले भी लगेंगे, फिर नए उगेंगे साइड से। ये पानी डाल के गया ये बुद्धू, ये भी सूखा हुआ है, इसके लिए भी कुछ लेके आना, ऊपर वाले गमलों के लिए भी लेके आएंगे। The next day. हमने बाइक बाहर निकाल ली है और मैं अभी रेडी हो गया हूँ। मैं ना अभी जा रहा हूँ क्या कहते हैं सामान सामान लेने, दही और पराठे वगैरह लेने, क्योंकि आज है शबे बरात और उन्होंने घर वाले रखे हैं रोज़ा, तो मैं उनके लिए चीज़ें लेने जा रहा हूँ। अभी रात से कोई हो रहे हैं कोई 3-3:30, तो अभी चलते हैं। सिर्फ इस टाइम मैं ही घूम रहा हूँ, सारी तरफ अंधेरा और दुकानें बंद हुई 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 हुई, और शायद ऊपर से रात का टाइम है ना वो ठंड भी है। मार्केट को जो खुला हुआ है। तो यार मुझे दही यहाँ से नहीं मिली, अब मैं बाइक निकाल के आगे जाने लगा। आगे और ज़्यादा अंधेरा हो गया, पीछे वाली साइड से हमें दही नहीं मिली, तो फिर मैं आगे आ रहा हूँ।
पकाए थोड़ी सी। तो हमारे पराठे और दही सब तैयार हो चुके हैं और अब हम निकलते हैं घर की तरफ बाइक सीधी कर। तो यार सारा सामान खुले है तो कितने में ना रमज़ान की यादें ताज़ा हो। रोज़ों में भी हम रोजाना सोना सुबह दही लेके आनी, पराठे लेके आने और नाश्ता करना, इंशाल्लाह पास ही रहेंगे अगले महीने तक। दूर नहीं है रमज़ान माशाल्लाह से। नेक्स्ट मंथ की मैं कह रहा हूँ कि लास्ट तक रमज़ान आ जाएगा 5 hours later। तो हेलो वेलकम बैक हो गया आप सबका। हम लोग ना अभी इस समय बाइक पे, मैं बाइक पे स्टार्ट हो गया ब्लॉग बनाने के लिए। फोन लगाया अभी तो ना, अभी एक दो काम करना है उसके बाद जाना है ये सोन क्या कहते हैं बाल कटाने, हमारा पूरा हाल हुआ है। और उसके बाद एक जगह जाना है और फिर वापसी पे आके ना पहले नहाएंगे, फिर आके वापसी पे पकड़ेंगे क्या कहते पौधे। अपने पास कुछ हैं गमले खाली, मैं वापसी भी ऊपर से देख लूँगा और फिर वापसी भी हम लोग पकड़ेंगे क्या कहते हैं पौधे और फिर आगे लगाएंगे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। Five hours later। तो अब मैं कटिंग करा के फ्री हो चुका हूँ, बाल बुल कटा लिए हैं, शेव भी करा लिया है और अब उमर की बारी है। उमर का करा के तो फिर हम जाएंगे घर, पापा ने भी अपनी करा ली। इसके बाद जाके तो सारा थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और फिर बाद में चलते हैं दूसरे काम के लिए। अब इसको दिलवा लें, तेरे तो टेंडे करानी, तू बच गया आज, मुझे भी दे गुड। चल चल हाय हाय, इतना सुकून। पकड़ मेरी है, अपने पास ही रख। मैंने बोतल है मार साले का, खोपड़ी तोड़ साले। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ। कितना बुरा हाल है बंदे से मोटरसाइकिल का, मेरे वाली का भी यही है, अभी करवाई नहीं साहब। अभी इन सालों की बारी हो जाएगी ना फिर अपनी, और ये जो मोटरसाइकिल अभी यही है इनकी बारी आएगी फिर। और अब अपनी मोटरसाइकिल की बारी आ चुकी है, अब ये धुल रही है, ये धुल जे फिर फ्री होके इसको नहलाना इन्होंने। देख सारे स्टिंग पीक ना, दांत रेड हुए हैं सारे, पहले पीले थे अब रेड हुए। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। हाँ क्या कह रहा था? वाह वो पश्तो पठान है, इस वजह से बोल रहे हैं चवल, उनके सामने ना बोल देने तो ये मोटरसाइकिल की जगह ना उन्होंने तुझे लेटाया ना उधर। वैसे भी तूने लाने वाला हुआ मेरा मजाक। वेलकम बैक हो चुका है, अभी मैं जा रहा हूँ छत पे, इस लाइट को ऑन करें, सीधा ही आंखों में पड़नी है। ओए किधर बटन इसका, ओए रोशन हो गया, रोशन 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 रोशन। और अब देखो ये रात को भी खुशक हुए हैं फिर। चल आ जा, खुल जा खुल जा खुल जा। अब इधर से वो जैसे गमले पे आए थे वो अंदर करने हैं, ये रहे वो गमले। अब ये इसको कहाँ पर सेट करें, यहाँ पर रख दे, पीछे ना चले जाए।
यहाँ पर ये टेक लगा के। और जैसा कि अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने ये जाना था आज पौधे लेने, जिसकी वजह से आज मैं कटिंग कुटिंग कराया, साफ सुथरा लग रहा हूँ ना नहीं तो ना उसकी वजह से मैं लेट हो गया। मैंने आया फ्रेश हुआ और उसी चक्कर में मैं इतना लेट हो गया। सड़ीके अब तो सच बोल दे। अब अंधेरा हो चुका है, नर्सरी बंद हो चुकी है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट जगह किसी दिन प्रोग्राम, और सबसे पहले ना जिस दिन छुट्टी होगी सारों से पहले जाके हम लोग लेके आएंगे गमले। गमले तो हैं हमारे पास पौधे, और इनमें लगाएंगे क्योंकि अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। बाहर का मौसम थोड़ी देर के लिए होता है, उससे पहले के मौसम जाए जल्दी से पौधे ला के लगाते हैं, और पहले मैं इन गमलों को ज्यादा सेट शूट कर दूं देर तक। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं मुझे। और जैसे ही मौसम स्टार्ट हुआ ना, चेंज हुआ बाहर का, तो ये जो सी ना वेल इधर लगी हुई थी, जो सी मैं उस दिन आपको दिखाई थी, ये गिर गई थी, और ये भी ना थोड़ी सी उगने लग पड़ी है, पुंगने लग पड़ी है। अब इसको भी ना सेट करना है, उस अब दिन के टाइम ही करेंगे, उसी दिन ही, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी साथ साथ। तो जी मैंने गमले गुमले सेट कर लिए हैं, और जो सी सुबह मिट्टी भरी थी वो सारी मैंने तैयार कर ली है। अब इसको नीचे लेके जाना है, और यहाँ पर ही मेरे ख्याल से आप वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा थोड़ा सा, और जल्दी से जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।